इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरे मुकाबले में प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि अभी जो है अभिषेक नायर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो है सारी जानकारी दी है। अभिषेक नायर जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के जो है वो बल्लेबाजी कोच हैं, तो उन्होंने जानकारी दिया है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो मुकाबला जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का सेकेंड टेस्ट मुकाबला जो है ये कानपुर में मुकाबला खेला जाएगा, ग्रीन पार्क के स्टेडियम में खेला जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अभिषेक नायर ने बताया है कि चेंजेस, सबसे पहले पूछा गया कि सरफराज खान को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरफराज खान को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने अपने समय में वेट किया है, विराट कोहली ने अपने समय में वेट किया, उसी प्रकार से अभी जो है सरफराज खान को भी वेट करना पड़ेगा, उन्होंने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया। दूसरा उनसे सवाल था कि क्या केएल राहुल जो है केएल राहुल को आउट किया जाएगा कि केएल राहुल को रखा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि केएल राहुल जिस प्रकार से दूसरे टेस्ट, जब पहला टेस्ट मुकाबला हो रहा था तो दूसरे इनिंग जिस प्रकार से केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे, तो अगर उनको मौका मिलता तो केएल राहुल और अच्छा रन बनाते, और केएल राहुल जो है वो अच्छे बल्लेबाजी करते हैं, तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि केएल राहुल भी टीम में रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये निकल के आई है कि जो पिच तैयार करवाया गया वहाँ पे स्पिन पिच तैयार करवाया गया है भारतीय क्रिकेटरों के द्वारा, इस और स्पिन पिच के लिए यानी टीम इंडिया जो वो तीन स्पिनर के साथ उतरेगी। पिछला मुकाबला में हुआ था कि दो स्पिनर थे, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा, लेकिन इस बार जो है वो बदलाव होंगे। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि पहले पिछला प्लेइंग 11 क्या था और उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पिछला प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा थे और साथ में यशस्वी जायसवाल थे, शुभमन गिल थे, विराट कोहली थे, केएल राहुल थे, ऋषभ पंत थे, रविंद्र जडेजा थे, रविचंद्रन अश्विन थे, बुमराह थे, आकाशदीप थे और साथ में सिराज थे। तो यहाँ आपको चेंजेस ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि आकाशदीप ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, तो आप लोग को चेंजेस ये देखने को मिल सकता है कि सिराज को हटा करके कुलदीप या फिर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है, या फिर आकाशदीप को भी आउट जो है वो किया जा सकता है। और जो रिमूव हो गई है, प्लेइंग 11 आपको सेम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हटाया जाएगा किसी को, आकाशदीप या सिराज में एक को हटाया जाएगा और टीम में वापस लाया जाएगा कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल, दोनों में एक को जो है वो मौका दिया जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया तीन स्पिनर के साथ उतरेगी, और तीन स्पिनर के साथ इसीलिए उतरेगी क्योंकि जो पिच है वो स्पिन फ्रेंडली है, स्पिन के लिए पिच है, स्पिन को काफ़ी मददगार मिलेगी और टीम इंडिया किसी भी हाल में ये जो मुकाबला है वो जीतना चाहेगी, क्योंकि ये जो मुकाबला है वो WTC के अंतर्गत आएगी, और अगर टीम इंडिया मुकाबला जीत लेती है तो टीम इंडिया को उसके बाद मात्र तीन मुकाबले जीतने हैं, तीन टेस्ट मुकाबले अगर टीम इंडिया जीत लेती है तो टीम इंडिया WTC फाइनल में अपना जगह पक्का कर लेगी। वैसे पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर है टीम इंडिया और कानपुर में मुकाबला हो रहा है, ग्रीन पार्क में मुकाबला हो रहा है, तो प्लेइंग 11 आपको दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दो बदलाव बस यही होंगे कि एक प्लेयर को आउट किया जाएगा और एक प्लेयर को इन किया जाएगा। तो आउट जो है वो आकाशदीप और सिराज हो सकते हैं, और इन जो है वो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो अभिषेक नायर ने कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं बताए कि टीम इंडिया में किया जाएगा, अभी कोई भी बदलाव जो है उन्होंने बताया कि किसी भी बदलाव के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया है, जो टीम है उसी टीम के साथ उतरेगी, बस एक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे।